जल निकासी के लिए पुल पुलिया नाला रहने के बावजूद सड़क पर घुटने भर जल जमाव हो तो समझिए ताजपुर में है। जल प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण के बाद बाजार क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक भीषण जल जमाव से लोगों की बढ़ती परेशानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जल जमाव क्षेत्रों में बंद पुल पुलिया नाला को खोलने एवं कच्चा नाला चीर कर संपूर्ण ताजपुर को जल जमाव मुक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रखंड प्रशासन को यहाँ की जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। माले नेता ने कहा कि दबंग लोग अपने घर दुकान जमीन के सामने जल मार्ग को बंद कर रखे हैं, जो कि गैर कानूनी है। प्रशासन अविलंब से भी बंद पुल पुलिया नाला जलमार्ग को खुलवाए, अन्यथा भाकपा माले पीड़ित ग्रामीण एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन समय तक चक्का जाम आंदोलन चलाने को बाध्य होगी। किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि बाजार एवं ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, थाना प्रखंड अंचल कृषि समेत अन्य कार्यालय जलमग्न है। उन्होंने कहा कि जब जनता परेशान हो और प्रशासन निद्रा में सोई हो तो इसे जगाने के लिए बड़े जन आंदोलन की दरकार है। समस्तीपुर से स्वदेश वाणी के लिए अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। ये ताजपुर ब्लॉक कार्यालय पर हम लोग हैं। ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय, कृषि कार्यालय, ताजपुर थाना रोड, हॉस्पिटल रोड, पेट्रोल पंप रोड समेत ताजपुर बाजार से लेकर पूरा ग्रामीण क्षेत्र में पूरा जलमग्न है। वर्षा का पानी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जल जमाव निकालने का उपाय नहीं है। अब ब्लॉक से अगर पूरब की तरफ देखा जाए तो मात्र जेसीबी से अगर कटवा करके स्टैंड के बगल में जो पुल है, पुल से पानी निकल जाएगा। कहने का मतलब कि चौर बिल्कुल खाली है, लेकिन ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय, कृषि कार्यालय, थाना रोड, हॉस्पिटल चौक, ये तमाम जगह पर पानी लगा हुआ है। नाला खाली है, ब्लॉक में पानी है, नाला खाली है, हॉस्पिटल रोड में पानी है। कुल मिलाकर के ताजपुर के साथ ये मजाक चल रहा है। जनता परेशान है, लेकिन अभी तक प्रशासन चिर निद्रा में सोई है। भाकपा माले ने तय किया है कि यदि जल्द से जल्द नाला चीर कर, कच्चा नाला बनाकर जल निकासी नहीं कराया जाता है, बंद पड़े पुल पुलिया नहीं खोला जाता है, तो भाकपा माले अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन चलाएगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।